मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर एमपी से तीन चेहरों को जगह मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान का नाम है जो कि मंत्री बन सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आ रहा है, ये भी मंत्री की बनने की लिस्ट में शामिल है। सावित्री ठाकुर, ये एक नया नाम है, केंद्र में जगह पाने वाली जो महिला सांसद है, मंत्री पद पा सकती हैं, एमपी से बिलोंग करती हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ का रुख करें तो छत्तीसगढ़ से तोखन साहू का नाम फाइनल हुआ है, उनको फोन आया है। देखिए, तोखन साहू जो कि पहली बार सांसद बने हैं और अच्छे खासे मतों के साथ इन्होंने जीत हासिल की है, इन्हें केंद्र में जगह दी जा रही है। पहले जो नाम सामने आ रहे थे, ब्रजभर अग्रवाल का नाम सामने आ रहा था, विजय बघेल का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब ये स्पष्ट हुआ कि तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की बात कही गई है। तो बिलासपुर से आकाश और दिल्ली से विनीत, साथ ही भोपाल से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो बिलासपुर का हम रुख करते हैं आकाश के पास। आकाश, बहुत देर हुई ये नाम स्पष्ट होने में कि आखिरकार छत्तीसगढ़ से कौन सा वो चेहरा होगा जो कि मोदी कैबिनेट में शामिल होगा। तोखन साहू का नाम स्पष्ट हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तोखन साहू का नाम यहाँ पे फाइनल हुआ है और उन्हें फ़ोन आया है, जानकारी मिल रही थी। बता दें, तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा से अभी संसद बने हैं, जीते हैं, बड़े वोट से जीते हैं। इससे पहले वो 2013 में लोरमी से विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 11 में से 10 सीटें जो है वो भाजपा की मिली है। इसमें लगातार नाम जो चर्चाओं के बीच चल रहा था, उसमें संतोष पांडे थे, बृजमोहन अग्रवाल थे, विजय बघेल का नाम था, लेकिन सरप्राइजिंग नाम एक तोखन साहू का बताया जा रहा था संगठन में भी, कि बड़े काम का इनको अनुभव था। और जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही थी, कहा जा रहा था एक मंत्री यहां से छत्तीसगढ़ से मिलेगा, ओबीसी का चेहरा होगा, तो ऐसे में अच्छे छवि के नेता माने जाते हैं तोखन साहू। सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से खबर आ रही है, मंत्री पद इनको मिल सकता है। बता दें, छत्तीसगढ़ गठन के बाद की बात करें तो यहां से हर लोकसभा चुनाव में एक राज्य मंत्री चुनकर आए हैं। ऐसे में 2014 में भी मोदी मंत्रिमंडल में अगर जगह मिलती है तो ये छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाला है। जी बिल्कुल। और सीधे रुख करेंगे विनीत के पास। विनीत, कैसी हलचल देखी जा रही है इस वक्त दिल्ली में? हम देख पा रहे हैं कि जो बैठक हुई थी उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल थे, और अभी आप कहां पर मौजूद हैं? हाँ जी, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में हूँ, जहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी गहमागहमी है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तमाम जो बड़े लोग हैं अब जो शपथ ग्रहण की तैयारी में जो हैं वो जुट गए हैं। सबसे पहले जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको यह कहा है कि वो जाएँ और काम में अभी से ही जुट जाएँ, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 100 दिन का एजेंडा सेट किया है, 100 दिन का एजेंडा जो है वो पूरा हो सके, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टास्क दिया है। चाय पर जब उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की, उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जिस तरह से 100 दिन का एजेंडा दिया गया है वो काम करें। इसके साथ ही साथ जो दीर्घकालीन एजेंडे के बारे में बात करें, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसको किस तरह से बनाया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना साफ तौर पर विजन दिया। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आए थे जीत के जश्न के बाद, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस जीत के बाद भी विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ते रहेगी, तेजी से आगे बढ़ते रहेगी। तो साफ तौर पर जो पुराने एजेंडे हैं, विकास के जो एजेंडे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो, क्योंकि हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के बड़े जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हों, वो लगातार अपने चुनाव प्रचार में भी यह बात कहते रहे हैं कि जब मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आएगा, जब यानी मोदी 3.0 आएगा, उस वक्त जो है वो भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की बन जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सभी जो उनके साथ मंत्रिमंडल पद में शपथ लेंगे, चाय पर जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो अभी से विकास के एजेंडे में जो है वो जुट जाए, और इसको लेकर के कवायद जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गई है। और इससे पहले भी जब हमने देखा कि मध्यप्रदेश से बात करें तो मध्यप्रदेश से या छत्तीसगढ़ में से बात करें तो यहां से जिन नामों
को लिया गया है, कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है वो साफ सुथरी है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने साफ सुथरी छवि की बात की थी और कहा था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर है इसीलिए है क्योंकि उनकी छवि जो है वो साफ सुथरी है। और एक और बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति थी वो जो थी वो लगातार जारी रहेगी। और ऐसे में अब हम यह देख सकते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, विकास के जो एजेंडे पर काम किया जा रहा है वो जारी रहेगा। और यही सीख और सबक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिया जो उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, और एक बार फिर से हम आकाश का रुख करते हैं। आकाश, तोखन साहू का नाम फाइनल होना ये थोड़ा सा चौंकाता भी है क्योंकि ब्रजभर अग्रवाल का नाम सामने आ रहा था, विजय बघेल का नाम सामने आ रहा था। आधार क्या है कि तोखन साहू का नाम फाइनल हो चुका है? आकाश, देखिए आप अगर इससे पहले चुनाव में जाएंगे तो विधानसभा चुनाव के दौरान जब भाजपा की बड़ी जीत हुई थी तो कई चौंकाने वाले नाम आए थे, चाहे मंत्री पद में नए चेहरों को शामिल करने हो या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है। तो बीजेपी हमेशा से चौंकाता रहा है, ऐसे चेहरों को चुनता रहा है जो स्वच्छ छवि की हो, बेहतर काम करे। ऐसे में उनको जातिगत समीकरण भी साधना है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जातिगत समीकरण पर भाजपा जीतती आई है तो एक अहम बात हो जाती है। ऐसे में लगातार मंथन किया गया, बड़े बड़े नाम सामने आते रहे। संतोष पांडे का नाम इसलिए सामने आता रहा, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया था। इसके साथ ही जो दुर्ग लोकसभा से नाम सामने आता रहा, विजय बघेल का बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह क्षेत्र से बड़े वोट मार्जिन से जीत कर आए हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरी बड़ी जीत हुई है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, शिक्षा मंत्री अभी हाल में वो हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत जो है बृजमोहन अग्रवाल को मिली है। तो ऐसे में ये नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा थी, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले भाजपा लगातार चौंकाता रहा है बड़े पदों को लेकर, तो ऐसे में जो बिलासपुर से तोखन साहू जीत के आए हैं एक अच्छी बेदाग छवि रही है, काम अच्छा किए हैं और सामाजिक पकड़ है। तो सारी चीजों पर मंथन किया गया और कहा जा रहा है कि ये भी मंत्रिमंडल में इसीलिए ही शामिल हो सकते हैं। जी अब बिल्कुल, और साफ सुथरी छवि, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि ऐसे चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी जो साफ सुथरी छवि के होंगे। एक बार फिर से हम विनीत का रुख करते हैं। विनीत, अभी क्या चल रहा है? आप बीजेपी दफ्तर के पास मौके पर मौजूद हैं और अभी क्या कुछ चल रहा है? बैठक पूरी हो चुकी है, 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और उसके पहले क्या कुछ सियासी हलचल वहां पर? जो है अब पूरी तैयारी चल रही है कि आखिरकार जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसे किस तरह से भव्य बनाया जाए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे जो मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, सभी सांसदों ने जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अब वो अपने समर्थकों के साथ हैं और समर्थकों को में जो है वो काफी उत्साह का माहौल है, वो जश्न का माहौल है और उनके नेता जो है वो अब मंत्री पद की शपथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लेंगे। तो काफी दिल्ली की अगर हलचल की बात करें तो काफी जो है वो पॉजिटिव नोट के साथ जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कई सहयोगियों ने, कई तमाम ऐसे व्यक्तियों से बात की, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हो, अजय टमटा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर सभी में जो है सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार व्यक्त किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से उन्होंने विकास का एजेंडा या फिर विकास के जो तय किए हैं उसे आगे बढ़ाना है और उसी को लेकर के काम करना है। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का विजन दिया है, जिस तरह का एजेंडा उन्हें दिया है या फिर हम कह सकते हैं जिस तरह का टास्क उन्हें सौंपा है उसे किस तरह से पूरा किया जाए, इसको लेकर के जो तमाम जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की है और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। बिल्कुल, और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीता उनका भी रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश से ज्यादा चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल हों, और ये माना जा रहा था कि अच्छा परफॉर्म है तो शायद और ज्यादा संख्या बढ़ेगी, लेकिन संख्या घट गई मंत्रिमंडल में और देखा जा रहा है कि सिर्फ 3 नाम फाइनलाइज हुए हैं।
देखिए, जब हम बात कर रहे थे तब से लेकर अब अपडेट है, उस समय जिस तरह के नाम थे, तीन नामों की पुष्टि हो चुकी थी, सावित्री ठाकुर, ज्योतिराज सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ये तीन चेहरे फाइनल थे। लेकिन अब बड़ा अपडेट आया क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जिन सांसदों को, जो संभावित मंत्रिमंडल है उनको लेकर जब बैठक कर रहे थे, उसमें जो चेहरे नजर आए एमपी से, दो और नए चेहरे, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि पांच चेहरे मध्य प्रदेश के होंगे जो कि कैबिनेट में होंगे, मोदी कैबिनेट में, और उनमें दो नए नाम है। एक तो वीरेंद्र खटीक को लेकर हम चर्चा कर रहे थे जो दलित चेहरा है बड़ा, तो उन्हें वापस से रिपीट किया जा रहा है, वो बैठक में भी नजर आए। इसी तरह एक और चेहरा है जो दुर्गादास उइके बैतूल से सांसद है, दो बार से लगातार, और नागपुर से लगा हुआ है बैतूल लोकसभा सीट। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में पांच मंत्री बनने जा रहे हैं ये, क्योंकि पीएम मोदी की बैठक में सभी चेहरे नजर आए हैं। और दुर्गादास उइके लगातार दिया है शैलेंद्र, जहां पर ये दो और नए नाम शामिल हो रहे हैं, और देखना यह है कि आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण के दौरान कौन कौन सी तस्वीरें सामने निकल कर आती। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए न्यूज़ 18।